भूख लगा भूख अभी देखना कैसे चढ़ेगा एकदम से गाइस ये देखो बुफे का खाना पड़ा हुआ है, ये नहीं खा रहा है, बोल किया हुआ तो नहीं खा रहा है, लेकिन इसको कच्चा चाहिए ये वाला बदमाश है, गंदा गंदा आदत है। अभी ये दूंगा तो एक बार में खा लेगा, ये अपना ये खाना नहीं खा रहा। इसको ज्यादा टेस्टी ये लगता है ना, एक ही तो चीज है ये। अरे वही तो, इसको पानी में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है ना, ये कच्चा खा रहा है अभी। पता है इसमें पानी भी मिलता है। बदमाश गुफ, एकदम बदमाश हो गया, बैड बॉय हो गया तू, बैड बॉय एकदम। वो ना गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। एक्चुअली कल अभिषेक भाई आए थे अपने रॉयल एनफील्ड मेटियोर को लेके, ब्राउन कलर का नई बाइक है, वो उनका सर्विसिंग का भी टाइम था, तो वहाँ से सीधा मेरे शॉप में आ गए PPF करवाने के लिए, तो बाइक छोड़ के गए थे। तो अभी वही देखने जा रहा हूँ कि काम कितना हुआ है, क्योंकि आज उनको डिलीवर्ड करना है। जो जितना भी मेरा कैमरा से रिलेटेड गियर्स होता है, मैं अभिषेक भाई से परचेस करता हूँ, लगते क्या में है रेम्बो डिजिटल बोल के। तो अगर आप गुवाहाटी से हो तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, उनके पास रेडी स्टॉक रहता है। आपको जो भी व्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कैमरा, ड्रोन, गिम्बल, एनीथिंग, आपको सब अवेलेबल है वहाँ, अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं दुकान में, और फाइनली जो रॉयल एनफील्ड में PPF का जो काम था वो भी हो गया कंप्लीट, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और हम लोग ने जो PPF में लगाया है, एस गार्ड का लगाया है, मेड इन कोरिया है, TPU बेस्ट मटेरियल है ये, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है जो हम लोग ने रॉयल एनफील्ड मेटियोर में लगाया हुआ है। और जो ये PPF है, ये आपका सेल्फ हीलिंग के साथ और हाइड्रोफोबिक के साथ आता है, 5 ईयर्स का वारंटी रहता है इस PPF का। और वेयर एज बाकी दो क्वालिटी का और PPF है ये, एक तरह का TPH मटेरियल है ये, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है ज़्यादा होता नहीं है, ये भी एक तरह का लेमिनेशन है। ज़्यादातर बाइकों में ये वाला यूज़ किया जाता है, और इसका रेट और प्राइस भी बहुत सस्ता होता है, तो जो कस्टमर होता है, एंड कस्टमर होता है, उनके जेब में ज़्यादा भारी नहीं पड़ता ये। और जो ये TPU बेस्ड मटेरियल होता है, ये ज़्यादा मोल्ड होता नहीं है, मतलब ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू TPH। तो इसको खासकर बाइक्स में आप जब इंस्टॉल करोगे तो ये प्रोफेशनल इंस्टॉलर होना पड़ेगा, नहीं तो ये बिठा नहीं पाएगा ये वाला मटेरियल को, क्योंकि ये ज़्यादा मोल्डिंग होता नहीं, और ज़्यादा हीट देने का आप कोशिश करोगे उसको बेंड करने के लिए तो उसमें लाइन आना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम दुकानदार जो लेमिनेशन जो बाइक्स गाड़ी के करते हैं तो मोस्टली ये भी प्रिफर करते हैं, क्योंकि एक तो सस्ता होता है और एंड कस्टमर का जेब में भारी भी नहीं पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू ये सब मेटल जो एस गार्ड का आता है या बाकी वो रेपुटेड कंपनी का जो भी आता है, तो वो आप जब वो बाइक्स में लगाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। सुपर बाइक्स ये सब में तो आपका 20,000 तक चला जाता है, 17,000 भी चला जाता है, डिपेंड्स ऑन आप कौन सा क्वालिटी ले रहे हो और कौन सा ब्रांड में जा रहे हो, लेकिन ये सब बहुत चीप क्वालिटी में आ जाता है, सस्ता में हो जाता है, ये आपका 2,500-3,000 में तो पूरा बाइक ही हो जाता है ये सब, अगर आप क्वालिटी लगाने जाओगे। पर ये सब में क्या होता है, सेल्फ फीलिंग का प्रॉपर्टीज़ नहीं होता, हाइड्रोफोबिक भी नहीं होता, और ये स्क्रैच जाता भी नहीं है, आपका कुछ महीना या सालों बाद अगर आप रफली यूज़ करोगे ना तो इसमें स्क्रैचेज आ जाता है, तो उसके कारण क्या बाइक डल दिखना शुरू हो जाता है, तो आपको थोड़ा दिन बाद ये निकालना पड़ेगा, फिर से आप रीइंस्टॉल करो। वेयर एज अब जो ये जो हम लोग ने लगाया है एस गार्ड का रॉयल एनफील्ड मेटियोर में, ये सेल्फ फीलिंग के साथ आता है, और इसका जो ग्लोसीनेस है बहुत ज़्यादा है, और ये इतना ग्लोसी नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंसी मिलेगा, पर आप इससे जब कंपेयर करोगे तो इसके ज़्यादा ग्लोसी रहता है ये, और छोटा मोटा जो डस्ट से जो स्क्रैचेज आता है वो इजीली आप सेल्फी हो जाता है ये, आप अगर 40-50 डिग्री टेम्परेचर में अगर बाइक खड़ा है तो अपने आप ऑटोमेटिक सेल्फी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा गर्म पानी या वार्म वाटर आप डालने से सेल्फी हो जाता है, या हीट या कोई भी ब्लोअर गन से भी अगर जो जहाँ स्क्रैचेज है वहाँ मारने से वो सेल्फी हो जाएगा। जो सिरेमिक और PPF में माइक्रोन्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है, सिरेमिक कोटिंग जब आप लेयर लगाते हो तो 2 से 3 माइक्रोन्स का आपको प्रोटेक्शन मिलता है, वेयर एज आप PPF जब लगाते हो तो 170 से 180 माइक्रोन्स का आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो सोचिए डिफरेंस कितना है माइक्रोन्स में, 2 से 3 माइक्रोन्स सिरेमिक आपको दे रहा है, 170 टू 180 माइक्रोन्स आपको PPF दे रहा है।
और बहुत भाई लोग कमेंट्स करते रहते हैं, भैया मैंने नया बाइक लिया है उसमें क्या कराना अच्छा रहेगा, पीपीएफ कराना अच्छा रहेगा कि सिरेमिक कोटिंग कराना अच्छा होगा। तो मैं बोलता हूँ कि आप पीपीएफ कराओ, अगर बजट अलाउ करता है तो पीपीएफ कराओ। पीपीएफ में ज़्यादा एडवांटेजेस है क्योंकि वो स्क्रैच प्रूफ कर देता है आपका पूरा बाइक को, छोटा मोटा रगड़ भी खाने से वो आपका पेंट को डैमेज नहीं होने देगा। लेकिन सिरेमिक क्या करता है, छोटा मोटा माइनर जो आप क्लीनिंग जब करते हो उससे जो स्क्रैचेस या रेसेस जो भी होता है वो उससे बचा लेगा बाकी, लेकिन हार्ड स्क्रैच होना या डीप स्क्रैच अगर हो गया तो वो नहीं बचा पाएगा। ठीक, मेरे बाइक के सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड मेटियोर, चलिए आपको सामने से दिखाता हूँ पीपीएफ का जो क्वालिटी है, जो फिनिशिंग है कैसा है। इसमें देख सकते हो गाइस, हम लोग ने सिंगल पीस में किया इसको, बाहर में रहते रहते मट्टी आ गया। हम लोग ने इसमें क्या टैंक किया है और इनका साइड का ये जो कवर है इसमें क्या है, और इसमें हम लोग ने हाफ किया है ये, और जो आगे का मडगार्ड है इसको भी हम लोग ने हाफ किया है, यहाँ से कट किया हुआ है। गाइस अभी जा रहा हूँ मैं घर की तरफ, पहुँचने ही वाला हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 3:50 होने वाला है, और आजकल बहुत जल्दी गोप्रो का मैंने देखा एक चेक किया है कि जल्दी जल्दी ड्रेन होता है बैटरी इसका, जैसे जैसे पुराना होने लग जाता है ना बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन होता है। और गाइस जो मैंने जो मेटियोर में जो पीपीएफ इंस्टॉलेशन किया ना उसका प्रॉपर वीडियो कल आएगा, तो अगर ये आज डालूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसका मैं स्पेशली मैं कल डालूंगा अलग से, चेकआउट कर लेना। तो अभी मैंने रफली आपको दिखा दिया है लगने बाद कैसा लग रहा है ये, तो इसका प्रॉपर वीडियो कल ही आएगा।